सब संग भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमती रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महा महा महोत्सव की जय। श्रील जयानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महा महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज बहुत ही पवित्र शुभ दिन है और ये सामान्य एकादशी नहीं है, इसमें द्वादशी का समावेश भी था और त्रयोदशी का भी है शायद नहीं। तो इस तरह से महाद्वादशी बहुत ही पवित्र दिन, रुक्मिणी जी का आविर्भाव दिवस और साथ में श्री जयनंद प्रभु का भी आज के दिन तिरुभाव हुआ था। तो पहले क्या करें, रुक्मिणी जी के बारे में पहले बता देते हैं। तो रुक्मिणी जी आप जानते हैं 16108 पटरानियों में से प्रमुख पटरानी है रुक्मिणी जी। तो ये द्वारका की लीला है और ऐश्वर्य प्रधान जहाँ पर वहाँ पर
भगवान कृष्ण और 16108 रूपों में व्यक्त करते हैं अपने आप। इसको प्रकाश विग्रह कहा जाता है। टेक्निकली प्रकाश विग्रह का मतलब होता है कि जितने भी वो विस्तार कर रहे हैं वो सब एक जैसे ही दिखते हैं देखने में। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो ब्रज के हैं, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं क्यों हैं? श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं ऐसा लघु भागवतामृत में कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं इसलिए कहा जाता है कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन शीर्ष को, कि उनका जो रूप है किसी अन्य के रूप के ऊपर निर्भर नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इसलिए आदि स्वरूप है, यानी कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और स्वयं प्रकाश। और तो प्रकाश विग्रह है, उन्हीं के विस्तार है, वो देखने में बिल्कुल वैसे ही से लगते हैं और उन्हीं के जैसे रूप होता है उनका। तो 16108 पटरानियों में बट गए भगवान श्री कृष्ण। तो ये उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य भगवान दिखा रहे हैं। जो ब्रज में उन्होंने ऐश्वर्य नहीं दिखाया, द्वारका में वो ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, ताकि कोई उनको सोचे कि ये तो ग्वाले ही है बस, और कुछ नहीं है इसे आगे। तो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं हो पाया, और जो असुरों और राक्षसों को मारा था, लेकिन वास्तव में जो वैभव और ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है वो द्वारका में दिखता है। तो द्वारका का ऐश्वर्य इतना विशाल ऐश्वर्य है, और रुक्मिणी जी जो है सब प्रधान प्रमुख जो है पटरानी है रुक्मिणी जी, 16108 पटरानियों में से। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में स्थापना की रुक्मिणी द्वारकाधीश की, रुक्मिणी द्वारकाधीश। श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं तो नहीं स्थापित किया था उसको, लेकिन प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि आप लोग स्थापित करिए। तो इस तरह से रुक्मिणी द्वारकाधीश श्रील प्रभुपाद जी के समय में स्थापना हो गई थी। बहुत हमारा लॉस एंजलिस टेम्पल जो है हेडक्वार्टर्स बताया जाता है, और प्रभुपाद जी ने उसको नाम दिया था न्यू द्वारका। लॉस एंजलिस टेम्पल का नाम क्या है? न्यू द्वारका। तो वहाँ का ऐश्वर्य देखकर, लॉस एंजलिस टेम्पल का ऐश्वर्य देखकर प्रभुपाद जी को डीपन हुआ और कहे द्वारकापुरी है, ये भी न्यू द्वारका है। तो जो ललित माधव में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे चंद्रावली पहुंची थी। चंद्रावली का विस्तार बताया गया है, जो ब्रज की जो गोपियां हैं वही अपना विस्तार करती हैं द्वारका की पटरानियों के रूप में, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ललित माधव में। ललित माधव में अधिकांश द्वारका की लीलाएं हैं, लेकिन विदग माधव में विशेष रूप से वृंदावन की लीला है। सत्यभामा जी के कहने पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने एक ग्रंथ का विभाजन किया था, पहले एक ही ग्रंथ लिख रहे थे वो। तो ये जो ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने अपना विस्तार किया, तो उसमें राधारानी का विस्तार है सत्यभामा जी, और चंद्रावली का विस्तार है रुक्मिणी जी, और ललिता सखी का विस्तार है जाम्बवती। तो इस तरह से और भी पटरानियों ने किया, मैं तो कुछ ही बता रहा हूँ आपको। और तो इसमें जो तो ये कथा इस प्रकार आती है, वैसे तो ये राधाष्टमी के दिन भी सुनाया जाता है, और इसी में वो कथा में चंद्रावली का नाम भी आता है। तो हुआ क्या कि विंध्या पर्वत जो है उनका बड़ा द्वेष था हिमालय से। ये पर्वत भी अपने स्वरूप में है, ये पर्वत भी अपने आप में एक जीव है, उड़ते नहीं हैं, अचल हैं, एक जगह रहते हैं। तो विंध्या पर्वत जो है, विंध्या पर्वत को बड़ा द्वेष था किससे? हिमालय से, क्योंकि हिमालय की बेटी का विवाह किससे हो गया था? महादेव से। हिमालय की बेटी कौन है? पार्वती। हिमालय पर्वत की बेटी पार्वती, पर्वत से पार्वती हो गए, और महादेव से विवाह हो गया। तो विंध्या पर्वत को बड़ा द्वेष हो गया, उन्होंने कहा कि बस मेरी ऐसी बेटी हो जिसका पति जो है महादेव को भी युद्ध में परास्त कर दे। तो विंध्या पर्वत ने जो है तपस्या की खूब, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ऐसे वरदान के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी पड़ती है, नहीं तो ब्रह्मा जी या शिव जी से प्रार्थना करते हैं तो तपस्या करनी पड़ती है खूब। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सुना कि ये वरदान चाहिए कि मुझे ऐसी बेटी दीजिए जिसका पति जो है महादेव को भी जो है युद्ध में परास्त कर दे। तो क्या बोला उन्होंने? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु,
बड़े दयालु हैं ब्रह्मा जी शिव जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, और उन्होंने तथास्तु करके दे दिया। उन्होंने बाद में सोचा रही क्या वरदान दे दिया मैंने यार, अब कैसे करें, क्योंकि महादेव को कौन परास्त कर सकता है, कोई नहीं परास्त कर सकता है। एक ही व्यक्ति परास्त कर सकते हैं, वो है परम भगवान श्री कृष्ण, राइट। और उनकी अर्धांगिनी है श्रीमती राधारानी, नित्य उनकी संगी कौन है, श्रीमती राधारानी इटर्नल कॉन्सोर्ट है। लेकिन राधारानी की जो माता कीर्तिदा जो है शाश्वत माता है, तो फिर विंध्या की पुत्री कैसे रूप में कैसे जन्म ले लेंगे वो। और ब्रह्मा जी उलझन में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए, क्या करूँ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी भी तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके श्रीमती राधारानी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की एकदम से, और श्रीमती राधारानी प्रकट हुई। श्रीमती राधारानी का क्या बात है, हाँ आपने हमें कैसे याद किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो गया है, मैंने एक वरदान दे दिया विंध्या को, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, कि उनको ऐसी एक बेटी चाहिए थी जिसका पति महादेव को भी युद्ध में परास्त करे। तो मैंने तथास्तु कह दिया, और बाद में लगा कि महादेव को युद्ध में तो केवल कृष्ण ही परास्त कर सकते हैं, और आप उनकी अर्धांगिनी है श्रीमती राधारानी, लेकिन आप तो विंध्या की बेटी नहीं है, आप तो किसकी है, कीर्तिदा की बेटी है, कीर्तिदा आपकी जो है शाश्वत माता है, तो क्या किया जाए। बड़ा ही जो है ये मतलब उलझन पैदा करने वाला जो है ये परिस्थिति है। तो राधारानी का कोई बात नहीं है, तथास्तु, राधारानी के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, फिर वहाँ राधारानी और चंद्रावली, यहाँ पे चंद्रावली और राधारानी दोनों का जन्म हुआ था महाराज वृषभानु के घर से। चंद्रभानु की पुत्री थी चंद्रावली, और वृषभानु के पुत्री थी श्रीमती राधारानी। तो वो जो है वो अभी उनकी पत्नियों के गर्भ में थे, कौन, चंद्रावली और राधारानी। तो फिर उसके बाद फिर क्या किया, योग माया की ऐसी व्यवस्था हुई, स्थानांतरित करने की प्रथा तो पहले से ही चली आ रही है शास्त्रों में, कई जगह शास्त्रों में मिलता है स्थानांतरित किया। जब बलराम जी को स्थानांतरित किया गया, माता देवकी के घर से माता रोहिणी के घर में स्थानांतरित हुए संकर्षण बलराम, और यहाँ भी स्थानांतरित हुए राधारानी और चंद्रावली। योग माया ने व्यवस्था की, और फिर योग माया ने स्थानांतरित कर दिया किधर, उधर विंध्या पर्वत की पत्नी के घर में स्थानांतरित हो गए। तो दोनों बेटियों का जन्म हो गया, नहीं, अब दोनों बेटियों का जब जन्म हो गया तो फिर विंध्या पर्वत ने सोचा चलो कुछ संस्कार होने चाहिए, कुछ यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ करवाया गया। तो अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण भी पहले प्रकट हो चुके थे, और जाते हैं वसुदेव जी जो है कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल गए थे, रात को अर्धरात्रि को लेके गए थे, और वहाँ से फिर क्या कन्या को लेकर आए थे, वहाँ कन्या का भी जन्म हुआ था ना आनंद महाराज के यहाँ पर, माता यशोदा से जो है योग माया का जन्म हुआ, या फिर दुर्गा जी का जन्म हुआ, तो उनको लेकर आए वसुदेव जी, उनको लेकर आए। और फिर जब लेकर आए तो, और जो कंस के मंत्री थे चाणूर मुष्टिक इत्यादि, उन्होंने कहा कि आठवीं संतान बेटी है, लेकिन आठवीं संतान विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, बड़ा मायावी है वो। तो फिर कंस जो है वो बेटी को मारने के लिए गया, और जैसे बेटी को मारना चाहता, तो बेटी ने क्या किया, दुर्गा जी का रूप कर ले लिया एकदम से, दस पूजाधारी एकदम से, और दुर्गा जी प्रकट हो गई, तुम पिछले जन्म में काल नेमी थे और भगवान ने तुम्हारा वध किया था, फिर क्या हुआ है, अब दोबारा तुम्हारा जन्म हुआ है कंस के रूप में, और एक बात समझ लो, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, और कहीं तुम मूर्ख हो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर उसके बाद फिर बस, और क्या बताया कि, और बहुत जल्द ही आठ महाशक्तियां भी प्रकट होने वाली हैं आपकी सूचना के लिए। कौन है वो आठ शक्तियां, राधा रानी, राधा, चंद्रावली, ललिता जी, विशाखा जी, पद्मा, शैव्या, श्यामला, भद्रा, और इसमें दो महाशक्ति हैं, इन शक्तियों में महाशक्ति दो है पावरफुल, और वो कौन है, राधा रानी और चंद्रावली, और उन दोनों में भी कौन सबसे शक्तिशाली है, श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार बातें हो रही थी, तो कंस बड़ा भयभीत हो गया, उसने सोचा रही है क्या,
मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया, ये तो अच्छा नहीं है महाराज, अब क्या किया जाए। अच्छा है कि इनको तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए, आगे का कोई भरोसा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो मेल चाइल्ड है उनको तो मार दो, और जो फीमेल चाइल्ड है, कन्याएं हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनको अपहरण कर लो। किसको बुलाया गया, पूतना पूतना, जितने भी ब्रज में बच्चे हैं उन सबको मार डालो, जब ये हाल ही में जिनका जन्म हुआ है, और जो बच्चियां हैं बेटियां हैं उनका अपहरण कर लो। तो पूतना ने कहा ठीक है कर लेते हैं सरकार, महाराज जैसी आप आज्ञा दें वैसे ही होगा। तो बस पूतना ने जो है अपहरण करना शुरू कर दिया बच्चियों का। तो दोनों बेटियों को उठा लिया, किसको, चंद्रावली को और जो है राधा रानी को उठा लिया। कहाँ थी वो, विंध्या पर्वत के घर में थी, वहाँ यज्ञ चल रहा था ना, तो यज्ञ के दौरान पूतना पहुँच गई। अब पूतना पहुँची तो पूतना ने उठा लिया दोनों बच्चियों को उठा लिया, और बच्चियों को उठाकर वो आकाश में उड़ने लगी। तो महाराज विंध्या ने जो है फिर बहुत क्रोधित हुए, उन्हें ब्राह्मणों को कहा ये देखो ये जो है बच्चियों को उठा के ले गया है, ले गई है ये पूतना, आप मंत्र का उच्चारण करो, इसको नीचे गिराओ। तो ब्राह्मणों ने कहा जैसे महाराज आप चाहते हैं वैसे ही होगा। तो ब्राह्मणों ने क्या मंत्रों का उच्चारण किया, स्वाहा स्वाहा, और उसके बाद पूतना एकदम से कमजोर होने लगी, ताकत का होश किया कम हो गई, बहुत भारी लगने लगी राधा रानी और चंद्रावली, उठा नहीं पा रही थी वो। और फिर उसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये पूतना के हाथ से एक बच्ची गिर गई, कहाँ, वैदर्भ में, इसलिए वैदर्भी भी कहा जाता है रुक्मिणी जी को। तो फिर वो वहाँ महाराज भीष्म को, वो बच्ची जब गिरी तो वो नदी में आगे गिरी वहाँ पर, और महाराज भीष्मक जो है उनको उठा लिए। कौंडिन्यपुर महाराज भीष्म का राज्य था, जहाँ पर भीष्मक जहाँ रहते थे राजा भीष्मक, और इस तरह से चंद्रावली उनको प्राप्त हुई। तो लगभग 5 वर्ष थी उनकी उम्र तक वहाँ पर रही थी चंद्रावली। बाद में विंध्या ने आज्ञा दी थी जाम्बवान को वहाँ से लाने के लिए, उनको पता चल गया, तो जाम्बवान जाके उनको वापस लाए थे। और उसके बाद फिर वापस आए तो चंद्रावली आए, तो इतने में क्या हुआ कि पूर्णमासी जो है अब व्यवस्था कर रही हैं, और कई जो बच्चियों को उठाया गया था उन सबको वापस ला रही पूर्णमासी जो हैं। तो पूर्णमासी इस तरह से चंद्रावली को वापस ले आए ब्रज में, अब पूर्णमासी भी योग माया है, तो चंद्रावली को ले आए, ललिता जी को ले आए, पद्मा जी को ले आए, भद्रा को ले आए, शैव्या को ले आए, और श्यामा को ले आए, सभी गोपियों को ले आए वापस। तो ये चंद्रावली का ही विस्तार बताया जाता है रुक्मिणी जी को। तो इस तरह से जो है चंद्रावली वहाँ विस्तार किया अपना, और फिर उसके बाद राजा भीष्म की पुत्री के रूप में प्रकट हुई वो। और कौंडिन्यपुर वो स्थान है जहाँ पर रुक्मिणी जी का आविर्भाव हुआ। तो फिर रुक्मिणी जी, जैसे हमने बताया कि प्रमुख गोपियों में से, प्रमुख पटरानियों में से एक है, और इसी तरह से और भी गोपियों का जो है वो स्थानांतरण हुआ है ब्रज से द्वारका में। ललिता जी जब राधा रानी के वियोग में थी तो ललिता जी जो है गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गई, और वहाँ से छलांग मार दिया उन्होंने विरह के कारण, और जब छलांग मारा तो क्या हुआ, फिर जाम्बवान ने उनको गोद में उठा लिया, ऐसे पकड़ लिया। नहीं, जाम्बवान ने कभी क्रिकेट तो नहीं खेला था, लेकिन पकड़ने में बड़े तेज थे, तो उन्होंने एकदम से ऐसे पकड़ लिया ललिता जी को और अपनी गुफा में लेके आए। और उसके बाद जानते हैं वही ललिता जी अपना विस्तार किए जाम्बवती के रूप में, इस तरह से वो द्वारका गई। तो इस तरह से कई सारी घटनाएं बताई ललित माता को, बड़ा रोचक तरीके से बताया गया है कि इस तरह से राधारानी वियोग में थी, और राधारानी जब वियोग में थी जब ब्रज से चले गए कृष्ण, तो फिर वो विरह में, बहुत विरह की अग्नि में जो है विलाप कर रही थी, कंदन कर रही थी। और एक दिन यमुना जी भी कूद गई, एक दिन राधारानी, विशाखा जी भी कूद गई। अब विशाखा जी तो वहाँ जो है यमुना जी ने संभाल लिया, क्योंकि बताते हैं यमुना जी जो है विशाखा जी की ही लिक्विड फॉर्म है, हालांकि यमुना जी जो है वो सूर्य की पुत्री भी बताई जाती है। उसके बाद फिर राधा रानी वहाँ पर गई, और उसने यमुना जी के अंदर जब छलांग मारी वहाँ पर, यमुना जी में भी शाम को देख रही हैं, कृष्ण को देख रही हैं, वो बोले ये रे कृष्ण, छलांग मार दिया। और ये सब बेचारे बड़े परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, राधा रानी छलांग मार दी, क्या होगा। तो और उसके बाद फिर जो है
वहाँ पे राजा जो सत्रजीत थे द्वारका में, उनको एक बेटी की आवश्यकता है तो सूर्य की पूजा करते थे। अब सूर्य देव ने क्या किया, राधा रानी की रक्षा कर ली, राधा रानी को सूर्य लोग लेके चले। और सारी कथाएं इतना रोचक कथाएं। और राधा रानी जब वहां पहुंची तो सूर्य देव कहते हैं, आप क्यों दुखी होते हैं, आप माते क्यों दुखी होते हैं, आप देखिए ना साक्षात सूर्य नारायण का दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा रानी कहा कि नारायण को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद, मैं जानती हूँ कि कोई तत्व भेद नहीं है, लेकिन फिर ये कृष्ण तो नहीं है ना, उनके जैसे तो नहीं है, इनके बाद वंशी कहाँ है, इनके बाद मोर मुकुट कहाँ है, इनके बाद वो ब्रज का भाव कहाँ है, नहीं, पूरा सम्मान दिया राधा रानी ने, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये कृष्ण नहीं है। और उसके बाद फिर इस तरह से राजा शत्रुजीत ने सूर्यदेव से प्रार्थना की थी, तो राधा रानी ने अपना विस्तार किया सत्यभामा के रूप में और द्वारका में प्रकट हुआ। तो ये कुछ गोपियों का मैंने वर्णन किया। तो इस प्रकार जो है राधा रानी जो अगर भगवान की शक्ति माने तो राधा रानी शक्ति हैं, यहाँ पर रुक्मिणी जी शक्ति हैं, और ये सब जो 16108 पटरानियाँ हैं ये सब उसी राधा रानी के ही विस्तार हैं, महिषियों के रूप में, गोपियों के रूप में, वैकुंठ की लक्ष्मियों के रूप में श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती हैं। जहाँ जहाँ भगवान अपना विस्तार करते हैं वहाँ वहाँ ये शक्तियाँ भी विस्तार करती हैं। शक्तिमान जहाँ पर वह शक्ति होगी निश्चित रूप से। इसलिए पार्थ सारथी यानी कि सारथी श्री कृष्ण, उनको राधा रानी से अलग नहीं किया जा सकता। दिखती नहीं है राधा रानी, लेकिन अव्यक्त लादनी शक्ति जो है हमेशा मौजूद है कृष्ण के साथ। ये संभव ही नहीं है कि कुरुक्षेत्र में वो राधा रानी नहीं है, आपने कैसे राधा रानी को साबित कर दिया। राधा रानी हमेशा है, अव्यक्त लादनी शक्ति है, अव्यक्त रूप में है, वो ही नहीं सकता कि राधा रानी ना, हमें दिखाई नहीं देती है, बस प्रकट नहीं होती वहाँ पर व्यक्तिगत रूप में। तो इस प्रकार तो ये घटना है। एक घटना और बताते हैं, सुदामा जी। तो सुदामा जी जो हैं वो बहुत गरीब थे, भेंट द्वारका बोलते हैं ना उसको, तो द्वारका में एक स्थान है भेंट द्वारका, एक आइलैंड की तरह है वो, अब तो बस गया वहाँ पे, बहुत लोग आबादी हो गई है उस जगह पर, और वह नाव से वहाँ जा सकते हैं आप भेंट द्वारका में। सुदामा जी बहुत गरीब थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे बचपन से, शांतिमुनि मुनि के आश्रम में इन दोनों ने अध्ययन किया था, श्री कृष्ण बलराम ने 64 कलाएं सीख ली थी 64 दिनों में। हुआ क्या कि फिर बहुत गरीब थे, इनकी पत्नी भी भगवान की शुद्ध भक्त थी, लेकिन सुदामा जी की गरीबी नहीं देखी जा रही थी उनसे, ऐसा नहीं कि कोई लालच था उनको, लेकिन देखा कि सुदामा जी बहुत गरीब हैं, सुदामा जी को कितना कष्ट हो रहा है उनके पति देव को, कहाँ का दर दर भीख मांग के लाते हैं हमारे बच्चों को खिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपके मित्र हैं, गुरुकुल में आप एक साथ पढ़े हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते आप। तो उनको भी लगा बेचारे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं अब, मैं किस मुंह से जाऊं, मैं क्या मांगूंगा मैं द्वारकाधीश से, ये तो गलत बात है कि आप कुछ मांगने जाओ भगवान से। तो सुदामा जी जो है फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ले जाने के लिए भी नहीं है, मैं क्या दूंगा, खाली हाथ जाऊंगा क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आस पड़ोस से जाके पता करती हूँ कुछ मिल जाता है खाने को। चिवड़ा लेकर आई थी, एक पोटली में चिवड़ा बांध कर दे दिया, और कृष्ण चल पड़े, कहाँ चल पड़े, सुदामा चल पड़े कहाँ पर, भगवान से मिलने के लिए उनके महल में, द्वारकाधीश जी से मिलने के लिए। द्वारकाधीश जी ने आज्ञा दी थी, कोई भी ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए तो उसको रोका ना जाए। द्वारपालों को सबको बता दिया गया था, ब्राह्मणों का स्वागत होगा, उनको अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं, मुझसे कभी भी आ सकते हैं। तो पता चला सुदामा जी आ रहे हैं, सुदामा जी जैसी पता सूचना मिली, देखा सुदामा जी सामने से आ रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अपना राज सिंहासन छोड़ के सुधर्मा भवन में राज सिंहासन छोड़कर सीधा भागे सुदामा जी का स्वागत करने के लिए, और सुदामा जी को भीतर लेके गए। सुदामा जी के एकदम आलिंगन किए, सुदामा जी एकदम से उनका लकीर फकीर एकदम से, मतलब सारे कपड़े उनके फटे हुए हैं और रुग्ण अवस्था में लग रहे हैं, बहुत कमज़ोर और दुर्बल लग रहे हैं, और आँखों से उनके आंसू बहने लग गए कृष्ण को देखकर, और भगवान ने उनका आलिंगन कर लिया तो फिर उनका प्रेम और भी उमड़ पड़ा, और उनको लेकर आए फिर अपने शयन कक्ष में। भगवान कृष्ण देखिए शयन कक्ष में किसको लाते हैं, कोई बहुत करीब का व्यक्ति है उसको लाया जाता है, ऐसे थोड़ा किसी को भी ले आओगे एक शयन कक्ष में। तो सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, उनके बचपन के मित्र थे, और लेकर आए उनको फिर कहाँ पर लेकर आए, शयन कक्ष में लेकर आए, शयन कक्ष में बिठाया, और शयन कक्ष में बिठाकर उनके पांव धोना शुरू किया भगवान ने। पांव जब धोना शुरू किया तो जानते क्या हुआ,
उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। भगवान की आंखों से क्या बहने लगा? अश्रु धारा बहने लगी। और जब अश्रु धारा बहने लगी तो क्या हुआ? तो फिर ये देखकर रुक्मिणी जी भी जो है चकित हो गए। रुक्मिणी जी जो है क्या कर रही थी? चावार कर रही थी, पंखा कर रही थी। और फिर कृष्ण ने कहा, सुदामा जी से कहा कि आप कुछ लेके नहीं आए मेरे लिए? अब वो बेचारे शर्मा रहे थे कि क्या बोलो, चिवड़ा लेके आया हूँ। चिवड़ा कोई खाने वाली तो चीज़ है नहीं, और ड्राई चिवड़ा तो गले से उतरता ही नहीं, आप पता ही नहीं। उसमें तो आप हल्दी वल्दी डाल के और मूंगफली डाल के और उसको उसमें टमाटर की चटनी साथ में हो तो फिर खाने में थोड़ा सा मज़ा आता, नहीं तो सूखा चिवड़ा तो कौन खाएगा बताइए। नहीं, जैसे इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक होता है फ्यूज राइस, एक होता है पफ्ड राइस। पफ्ड राइस मतलब राइस बड़ा पफ्ड अप होता है तो उसको मूढ़ी कहते हैं, और फ्लैट राइस या फ्यूज राइस उसको चिवड़ा कहते हैं। तो ये फ्यूज राइस मतलब फ्यूज हो चुका है जो, अब इसको कौन खाएगा? भगवान ने कहा ये क्या रखा तुमने, क्या छुपा के रखा है साथ में, क्या बांध के रखा है, ये पोटली क्या नहीं, लाओ 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 लाओ। और छीन लिया कृष्ण ने और पोटली खोल के देखा, अरे चिवड़ा है इसमें तो। और द्वारकाधीश जी ने चिवड़ा खाना शुरू कर दिया, एक मुट्ठी ली खाया, और जैसे दूसरी मुट्ठी आगे बढ़ाने लगे रुक्मिणी जी ने कहा रुकिए 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 रुकिए, बात 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 बात, ये क्या कर रहे? श्रीधर स्वामी टीका में लिख रहे हैं, श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छा लिखा है, विश्वनाथ ठाकुर ने भी लिखा है। श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब रुक्मिणी जी ने रोका, संकेत क्या दिया? उन्होंने संकेत दिया, आगे मत बढ़ाइए हाथ और मत लीजिए चिवड़ा आप, ये आप क्या कर रहे हैं, सारा धन संपत्ति सब समाप्त हो जाएगा मेरा, मुझे इनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा फिर, यानी कि पूरी तरह से इनके पास जाना पड़ेगा फिर। आपको जो दे देगा कुछ भी, वो तो मैं वैसे बिक जाती हूँ। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदम भक्तया उपरितम अश्रामी प्रयतात्मनः। तो इस तरह जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पत्ता फूल फल जल प्रेम और भक्ति श्रद्धा से देता है, भगवान बिक जाते हैं उस व्यक्ति के। रुक्मिणी जी ने कहा कि मुझे आत्मसमर्पण करना पड़ जाएगा इनको, रुकिए रुकिए आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा श्रीधर स्वामी ने लिखा है भागवत की टीका में। तो फिर कहने का मतलब ये है, ये था मतलब रुक्मिणी जी का, रुक्मिणी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान है और नारायण विराजमान है। ऐसे स्थान में अगर कृष्ण की सही से सेवा हो रही है तो लक्ष्मी जी की कमी हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। और कमी हो रही है लक्ष्मी जी की तो इसका मतलब सेवा में कमी है, कृष्ण की सेवा में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या लक्ष्मी कृष्ण तक पहुंच नहीं रही है। हाँ, तो इसलिए क्या है कि ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सुदामा जी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए दिखाया गया, और रुक्मिणी जी कैसे इस प्रकार व्यक्त कर रही हैं अपना भाव कि सुदामा जी की भक्ति की, उनके प्रेम की महानता। और जैसे सुदामा जी वापस पहुँचे घर और उन्होंने देखा, अपनी पत्नी को देखा, तो वो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो गई, बोली ये कौन है, ये मेरा घर ऐसे कैसे हो गया, ये महल कैसे बन गया, और तुम्हें क्या हो गया, ये वेशभूषा तुम्हें कहाँ से मिल गई, ये रेशम की साड़ी और गहने और ये सब खंभे सारे हमारे रत्नों से जड़ित हैं, बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, पूरा महल चमक रहा है, चकाचौंध है, और ये क्या गद्देदार और रेशम का चादर, उसमें इतना ऐश्वर्य कहाँ से मिला है, कहाँ से आया तुम्हारे पास? बोलते हैं तो द्वारकाधीश जी की कृपा है। तो सुदामा जी की आंखों से आंसू आने लगे। तो भगवान जो है देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब छीनते हैं तो छप्पड़ फाड़ के छीनते हैं, नहीं तो भगवान का देना भी जो है इस तरह का देना होता है। और भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं ये सब कृष्ण की कृपा है, तो उसको सब कुछ वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं निष्किंचित। तो इस प्रकार सुदामा जी का ये प्रेम। और एक और घटना बताई गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताया गया कि रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा हो रही थी,
और राजा भीष्मक जो है उनको पता था रुक्मणी जी कृष्ण से बहुत आकर्षित है, भगवान कृष्ण से बहुत आकर्षित है, उनके बारे में सुनती हैं वो ब्राह्मणों से, सुनंद ब्राह्मण से, ऐसे कई ब्राह्मणों से सुना था रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के लिए बड़ा अनुराग था। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके जो भाई हैं रुक्मी हैं और फिर शिशुपाल, ये सब एक ही मतलब क्या है कि जो है दल के थे, रुक्मी हो गए, शिशुपाल हो गए, जरासंध हो गए, जरासंध के राज्य में थे, वैदर्भ जो है वो जरासंध के राज्य में एक आता था राज सार, तो राजा भीष्मक जो है उन्हीं के अधीन थे राजा जरासंध के। तो इसलिए क्या कारण था कि रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी और शिशुपाल ये सब दुष्ट लोग थे और ये नहीं चाहते थे रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से। तो इस प्रकार भीष्मक बेचारे क्या करते थे, वो नहीं चाहते थे कि परिवार में कुछ झगड़ा हो, वो तो चाह रहे थे कि रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण से हो जाए। लेकिन फिर क्या है कि शिशुपाल नहीं चाहता है, रुक्मिणी नहीं चाहता है, जरासंध नहीं चाहता है, तो कौन परिवार में झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही करते हैं फिर। तो ये रुक्मिणी जी ने सुन लिया, तो रुक्मिणी ने जब प्रस्ताव रखा भाई ने भीष्मक राजा भीष्मक, तो भीष्म बोले कि ठीक है क्या कौन झगड़ा करेगा। रुक्मिणी ने दूसरे कक्ष से सुन लिया और रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई, उन्होंने कहा मैं नहीं शिशुपाल से विवाह करूँ कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, किसको चिट्ठी लिखी उन्होंने, भगवान कृष्ण को एक चिट्ठी लिखी जो एक ब्राह्मण के माध्यम से जो है वो पहुंचाया गया था। और उस चिट्ठी में साफ लिख दिया था कि आप जो है मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और ये लोग चाहते हैं कि मैं जो है शिशुपाल से विवाह करूँ, मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना है और आप आइए मुझे लेके जाइए। शिशुपाल कौन थे, ये शिशुपाल जो है बचपन से ही गाली देता था कृष्ण को, और उसकी जो आवाज़ थी बचपन में जब उसे पहली बार मुंह खोला तो उसकी आवाज़ गधे की तरह थी, और उसके बचपन में जब बचपन जन्म जब हुआ तो उसके चार हाथ थे और एक तीसरी आँख भी थी इसकी। और राजा चेदिराज जो थे और उन्होंने सोचा, चेदिराज ने सोचा कि अरे ये तो लड़का जो है थोड़ा सा जो है असामान्य लग रहा है और ये तो कोई असुर लगता है, पता नहीं क्या है, इसको फेंक देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उसके बाद फिर क्या हुई, आकाशवाणी हुई, ये क्या कर रहे हैं महाराज, अब ऐसा ना करें, आप जानते नहीं कि बहुत बड़ा योद्धा बनेगा ये और ये मारा जाएगा किसके द्वारा, जो व्यक्ति इसको अपने गोद में उठाएगा उसके द्वारा ये मारा जाएगा। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आए, अगर बचपन में गोद में उठा लिए तो फिर वो तो जीवित ही नहीं रहेगा, फिर योद्धा कैसे बनेगा, प्रश्न उठता है कि नहीं। तो अभी जो है फिर ये सब चर्चा चल रही थी, तो फिर शिशुपाल और उसके बाद फिर एक दिन भगवान कृष्ण पहुंच गए उनके दरबार में। इससे पहले भी कई लोग आए थे और बच्चे को गोद में उठाए थे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण आए, देखो बड़ा सुंदर बच्चा है आपका, दिखाइए दिखाइए, और उनकी माता ने जो है दे दिया उनको और ठाकुर जी ने उठा लिया उनको, भगवान कृष्ण ने उठाया। वाह, तो बच्चे को जैसे ही उठाया तो दो हाथ गायब हो गए और तीसरी आँख भी गायब हो गई, बच्चा एक साधारण सा बालक बन गया, सामान्य बालक हो गया। तो उन्होंने कहा ये क्या, आप ही वो है, मत मारिएगा, हे कृष्ण हे यादव मेरे बच्चे को ना मारिए, मेरे बच्चे को ना मारिए। उनकी माता बहुत चिल्ला परेशान होने लगी, रोने लगी, और कृष्ण ने कहा चिंता मत करिए, जब तक उसके 100 अपराध नहीं पूरे हो जाते मैं इसको नहीं मारूंगा। तो इसका मतलब कुछ समय दे दिया। तो इस तरह से फिर वो बचपन से युवावस्था में फिर थोड़े बड़े हो गए थे, फिर योद्धा भी बने थे वो, और लेकिन गाली देना उनका जारी रहा। और ये थे शिशुपाल। तो शिशुपाल रुक्मी जरासंध, अब जरासंध के ऊपर आक्रमण किया था मथुरा में, कितनी बार मथुरा में आक्रमण किया था जरासंध ने, कितनी बार, 17 बार, 17 टाइम्स अटैक किया था जरासंध ने मथुरा के ऊपर। जैसे ये 12वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में मथुरा में एक और आक्रमण इसी तरह का हुआ था 17 टाइम। उनका नाम था महमूद गजनी जो थे, उन्होंने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और कि सारे मंदिर तोड़ डाले थे वहाँ के, मथुरा के सोमनाथ का भी तोड़ा था। 17 टाइम्स अटैक किया था महमूद गजनी ने। तो ये जरासंध की तरह ही था, तो जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया 17 बार। और तो यह जरासंध जो है ये सब जो है एक टीम बना लिए थे
कि देखते हैं कैसे रुक्मिणी जी विवाह करती हैं कृष्ण से। रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिख दिया था और भगवान कृष्ण का, ठीक है आप चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। तो बलराम जी को बुलाया कृष्ण ने, हम जाएंगे और क्या करेंगे, रुक्मिणी जी को लेकर आएंगे। तो बलराम जी ने कहा ठीक है चलते हैं फिर। और कृष्ण और बलराम जब चल दिए तो बलराम जी शहर के बाहर ही रुक गए। उन्होंने कहा कौंदनीपुर के बाहर ही हम यहाँ पर सेना लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि संभावना है कि शिशुपाल जो है अपनी सेना लेकर आ जाएगा, तो अच्छा है कि मैं बाहर ही जो है खड़ा रहूं और आप जाइए और लेके आइए। रुक्मिणी जी ने लिखा था, देखिए अगर आप सीधे महल में आएंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि कत्लेआम हो जाएगा और कुछ लोग मारे जाएंगे, ये ठीक नहीं लगेगा हमें। होता क्या है कि हमारे यहाँ जब भी कभी विवाह होता है तो प्रथा ये है कि हम जाते हैं दुर्गा जी की पूजा करने, अंबिका की पूजा करने जाते हैं। मेला लगता है हमारे यहाँ तो हम लोग सब जाते हैं, अंबिका की पूजा करते हैं या दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उस समय आप आइए मुझे उठा के ले जाइए। तो गंधर्व विवाह ऐसे ही होता है, ये गंधर्व विवाह कहते हैं ना इसको, हाँ गंधर्व विवाह, इसको गंधर्व विवाह है, आज राक्षस विवाह, तो गंधर्व विवाह नहीं होता ऐसा है इस तरह का कि उठा के ले जाना। अच्छा अच्छा कई तरह के विवाह होते हैं तो कम से विवाह तो होता है। तो फिर उसके बाद जब पहुंचे वहां पे अंबिका जी का दर्शन किया और वो सोचा कि क्या बात है, अभी ठाकुर जी आए नहीं, द्वारकाधीश जी आए नहीं मुझे ले जाने के लिए, अरे बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई। तो बहुत चिंता में पड़ गए रुक्मिणी जी। तो अचानक आए श्री कृष्ण रथ को लेकर और सब देखते रह गए, इतने तेजी से आए, इतने वायु की गति में आए भगवान, और सब देखते रह गए, रुक्मिणी भी देखता रह गया, सब देखते रह गए। और एकाएक करके क्या हुआ, एकदम से उठा के लेके रुक्मिणी जी को, जिस तरह से क्या होता है एक सिंह जो है हिरण को उठा के लेके जाता है। सिंह को देखा आपने हिरण को पकड़ते हुए, तो इस तरह से शुक करके एकदम उठा के ले गए और वो देखते रह गए, ये क्या हुआ, ये देखो भाई द्वारकाधीश, ये कृष्ण हे यादव जो है उठा के ले गया हमारी बहन को, आक्रमण करो उसके ऊपर। तो उतने में क्या जरासंध भी अपनी सेना लेकर पहुंच गया वहां पे, तो जरासंध शिशुपाल और ये सब जो है आगे अब आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और उसके जरासंध के साथ युद्ध चल रहा है। और फिर क्या है, जरासंध पीछे लगे हुए हैं और फिर कृष्ण भागे जा रहे हैं रुक्मिणी जी को लेकर, रथ पे भागे जा रहे हैं और बीच में वहाँ शिशुपाल भी जो थे वो अपनी सेना लगे खड़े हुए थे, लेकिन रुक्मिणी जो है उस सेना से, बलराम जी की सेना, बलराम जी भी खड़े हुए थे सेना लेके, तो बलराम जी की सेना से आगे निकल गए रुक्मिणी जी बलराम जी की सेना से आगे निकल गए। और आगे निकलने के बाद और वहाँ पे जब भगवान कृष्ण तक पहुँचे, कायर कहाँ भागते हो, क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, पीठ दिखा के भागते हो डरपोक, इस तरह से वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, कौन, रुक्मी, रुक्मिणी का भाई। कृष्ण का अच्छा ठीक है, युद्ध करना चाहते हो युद्ध भी करते हैं हम। उसके बाद बड़ा घमासान युद्ध हुआ द्वारकाधीश जी का, किसके साथ, रुक्मिणी के साथ, और सारे उनके अस्त्र शस्त्र सारे काट डाले भगवान ने, सारी सेना खत्म, और रुक्मिणी जी को पकड़ लिया भगवान ने, और रुक्मिणी जी को मारने जा रहे थे कृष्ण, रुक्मिणी जी ने रोक लिया, जो भी है मेरा भाई है इसको छोड़ दीजिए पाँव पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने, ठीक है लेकिन उसको दंडित करके तो रहूंगा ही, मूछें आधे काट दी और बाल भी आधे काट दिए, ऐसे कर दिया पंख की तरह बना दिया, पंख स्टाइल होता ना जैसे कि देखा होगा अमेरिका में, बीच में से बाल काट दिया और मूछें भी आधे काट दी ताकि लोगों को पता चले कि ये परास्त हुआ है, ये हारा है, नहीं तो कल बोलेगा मैं तो हारा ही नहीं था, झूठ बोले गए, तो इसलिए उसको अपमानित कर दिया, सर के बाल आधे आधे काट दिए टेंग और मूछें भी आधे काट दी, चलो। तो इस तरह से रुक्मिणी जी से विवाह, और माधवपुर में भगवान ने जो है विवाह किया, पहला विवाह किया, ये तो एक वहीं विवाह कर लिया उन्होंने, इससे पहले कि कोई और कुछ गड़बड़ कर रहे, भगवान ने जो है माधवपुर में विवाह कर लिया। और उसके बाद फिर द्वारका में जाके बड़े ऐश्वर्य से, एक राजा के होने के नाते बहुत ऐश्वर्य से, ठाट बाट से जो है द्वारका में जाके फिर से दोबारा विवाह किया रुक्मिणी जी से। तो इस तरह से ये तो बहुत सुंदर बात बताई, इस मतलब कहने का मतलब भागवत में ये बताया गया है कि रुक्मिणी जी ने केवल श्रवण किया, श्रुत्वा, ये बताया गया श्रुत्वा, ये श्लोक है आपके पास भागवत का श्लोक, ये है दशम स्कंध 52nd वर्स 52 श्लोक और श्लोक संख्या 37। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणवतां ते
निर्वश्य कर्ण विवरहे हरतो अंगतापम रूपम दृशम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे। तो यहां पर ब्राह्मण ने पढ़ के सुनाया था, रुक्मिणी जी ने कहा हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है, हे कृष्ण मैंने आप निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है। श्रवण करने मात्र से कृष्ण के लिए आकर्षित जागृत हो गया। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण बलराम जब गए थे वन में, गए थे गोचारण लीला कर रहे थे और सखाओं के साथ गए, तो उनको भूख लगी थी, उन्होंने कहा सखाओं से जाओ पास में यज्ञ चल रहा है वहाँ से कुछ मिल जाएगा खाने को, तो ब्राह्मण से जाके मांगा। ब्राह्मण ने कहा कि ओम स्वाहा स्वाहा, भाई डिस्टर्ब मत करो, अभी हम लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब, हु इज दिस कृष्ण बलराम, स्वाहा स्वाहा तो चल रहा है उनका, स्वाहा स्वाहा चल रहा है, अरे किसके लिए स्वाहा कर रहे हैं तो पता ही नहीं उनको, तो वो अपना यज्ञ किए जा रहे हैं, मंत्र आहुति दिए जा रहे हैं, और वो जो है सखा बोले अरे ये क्या स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं यार, जिसके लिए मांगने आए उसको तो दे नहीं रहे, तो वो बेचारे परेशान होकर वापस चले गए। उन्होंने कहा कृष्ण बलराम से कि कृष्ण क्या करूँ, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम मांगने गए थे मना कर दिया उन्होंने तो वापस भेज दिया हमें। बोलते ऐसा करो उनकी पत्नियों से जाके पूछो, और जो ब्राह्मणों की पत्नियों से जाके जब पूछा तो पत्नियों को जैसी पता चला कि कृष्ण बलराम आए हैं वो तुरंत भागी। अब उन पत्नियों ने, ब्राह्मण की पत्नियों ने कृष्ण बलराम को कभी देखा नहीं था पहले, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, और सुनने से जो है उनके हृदय में कृष्ण के लिए, बलराम जी के लिए, कृष्ण के लिए आकर्षण जागृत हुआ हुआ था, और वो सारी पत्नियां आई, बहुत सारा प्रसाद भोजन लेकर आए श्री कृष्ण के लिए, बलराम जी के लिए, और वो ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए हैं, तो ये सारा का सारा लेकर आए कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त हुई उन यज्ञ यज्ञ पत्नियों को। तो कहने का मतलब श्रवण का इतना लाभ है, श्रवण का इतना महत्व है कि हम आकर्षण कैसे जा सकते हैं, कृष्ण को देखने की आवश्यकता नहीं, सुनने मात्र से कृष्ण का दर्शन होता है। आप समझ रहे हैं, श्रवण का एक प्रभाव है कि श्रवण के माध्यम से दर्शन, दुर्योधन ने भी दर्शन किया, शिशुपाल ने भी दर्शन किया, रुक्मिणी ने भी दर्शन किया, इन असुरों ने, राक्षसों ने, जरासंध ने, सबने दर्शन किया, लेकिन इनका दर्शन का क्या लाभ, ये तो कंस ने भी दर्शन किया तो इनके दर्शन का क्या लाभ, ये तो दर्शन कर रहे हैं लेकिन द्वेष कितना है, कृष्ण को ही मारना चाह रहे हैं। तो दर्शन तो रुक्मिणी जी ने किया था, दर्शन तो इन यागी पत्नियों ने किया था, जिन्हें सुनने मात्र से कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो गया। तो इस प्रकार ये बताया जा रहा। और एक घटना और सुना देते हैं हम, ये घटना है, ये घटना शायद भागवत में है पता नहीं, लेकिन हाँ पुराणों में निश्चित रूप से है। तो एक बार नारद जी आए थे सत्यभामा जी से मिलने के लिए। हम जाते सत्यभामा जी के लिए भगवान कृष्ण ने पारिजात वृक्ष लेकर आ गए थे, पारिजात फूल स्वर्ग लोक से लेकर आए इधर बरास करके, और द्वारका में पारिजात वृक्ष लगा दिया। पारिजात वृक्ष का एक फूल जो है पूरे दिल्ली में खुशबू फैलाने के लिए तैयार, मतलब पर्याप्त है, एक फूल से पूरे दिल्ली में खुशबू फैलेगा। ये स्वर्गलोक का ऐश्वर्य, ज़्यादा मत सुनिएगा स्वर्गलोक के बारे में, दिक्कत हो सकती है, वहाँ के ऐश्वर्य का इतना प्रभाव है, फिर अमेरिका क्या और रशिया क्या और यूरोप क्या, तो इतनी खुशबू होती है उससे। पारिजात वृक्ष पूरा उठा के लिया है कृष्ण, ये लो आपके लिए। सत्यभामा जी को बड़ा गर्व था, देखो कृष्ण को बड़ा प्रेम है मुझसे, नहीं हमारे लिए देखिए पारिजात वृक्ष भी उठा लिया है। और तो इस प्रकार ये बात चल रही थी, तो नारद जी ने कहा सत्यभामा जी से आकर, वास्तव में एक बात बताऊं मैं कि कृष्ण का द्वारकाधीश जी का प्रेम तो रुक्मिणी जी से अधिक है आपसे, क्या बात कर रहे हैं आप, प्रमाणित करो उसको। मुनिवर आप तो बातें करते हैं, इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं, हम कैसे विश्वास कर लें, आप प्रमाणित तो करिए इसको। तो फिर नारायण जी ने कहा ठीक है हम प्रमाणित करेंगे इसको, तराजू लाइए, तुलाभार, तो तुलाभार व्रत रखिए आप, फिर देखिए सब कुछ प्रमाणित हो जाएगा। तराजू लाया गया, बैठिए इसमें आप, बैठिए कितना वजन है देखिए, उतना धन रखिए यहाँ पर, उतने हीरे जवाहरात गहने वगैरह रखिए, और उसके बाद देखिए कृष्ण को हमें बेच दीजिए, और फिर आप कृष्ण को खरीदिए उसी धन से।
तो ठीक है, ठीक है ऐसा भी करते हैं हम। और फिर वजन नापा गया और फिर कृष्ण को बिठाया गया, कृष्ण को हमने खरीदते लीजिए हमारे पास धन है हम खरीदेंगे कृष्ण को। और कृष्ण बैठे तराजू में एक तरफ और एक तरफ वो सारे जो गहने रखे हुए थे, और लेकिन जो है कृष्ण का भार हमेशा ज़्यादा था। वो गहने डाले जा रहे हैं उनके सत्य भामा जी के खजाना खत्म हो गया और पटरानियों से मांगने लगे हो। वो क्या करते पटरानियों से मांगने लगे। नारद जी कहते हैं रुक्मणी जी से कहिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, रुक्मणी जी से आप कहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो फिर क्या करते हैं, वो कुछ करना तो है, अब कृष्ण को वापस लेना है। कृष्ण को वापस कैसे लेंगे जब तक जो है वो इतना जो है धन नहीं लगाया जाएगा। तो रुक्मणी जी ने एक तुलसी का दल रख दिया उन गहनों के ऊपर, एकदम संतुलित हो गया। तो लेकिन फिर भी हम देखते सत्य महामा जी से भी प्रेम था, और उनके लिए जो है स्वर्लोक से पारिजात वृक्ष उठा के ले आए थे श्री कृष्ण। तो बड़ा मुश्किल होता है 16,100 पटरानियों को संतुष्ट करना, ये तो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। आप सब जानते हैं जो अनुभवी ग्रस्त हैं, ये तो एक लीला है कथा है, जिनको अनुभव है व्यक्तिगत तो वो बता सकते हैं कि 16,100 पटरानियाँ ये कितना बड़ा असंभव कार्य है एक भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति के लिए। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवत ऐश्वर्य है। तो इस वजह से रुक्मणी जी जो है फिर भी प्रमुख पटरानी मानी जाती हैं, और के सुपुत्र हुए प्रद्युम्न, और उनके सुपुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए महाराज वज्रनाभ। तो ये महाराज वज्रनाभ ही एक बचे थे यदुवंश में, और जिन्होंने जो है ठाकुर जी के विग्रह स्थापित किए, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ, वृंदाकुंड का, वृंदा देवी का विग्रह, और गोपेश्वर महादेव का विग्रह, और कई विग्रह जो ब्रज में हैं, और श्रीनाथ जी का विग्रह जो है, और यहाँ तक कि केशव देव का विग्रह, ये सब दाऊ जी का विग्रह, ये सब महाराज वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किया गया। महाराज वज्रनाभ ने कृष्ण का दर्शन कभी नहीं किया था, लेकिन कृष्ण के बारे में सुना था, उन्होंने भी श्रवण किया था बहुत। तो किसी से उन्होंने उनके मुखमंडल के बारे में सुना, किसी से उन्होंने उन्होंने चरण के बारे में सुना, और किसी से उन्होंने उनके वक्षस्थल के बारे में सुना। तो इस तरह से अलग अलग रूप विग्रह की स्थापना हुई आज से 5,000 वर्ष पहले। और यहाँ तक कि उन्होंने जो है राधा कुंड में उन्होंने वज्रनाभ ने कुंड बनवाया था, वहाँ घाट भी बनवाया था। अगर आप राधा कुंड जब खाली होता है तो वहाँ पर वो जो महाराज वज्रनाभ के द्वारा बनाया गया वो अभी भी मौजूद है। देखा आपने श्याम कुंड में, श्याम कुंड में विशेष रूप से दिखेगा आपको। तो इस तरह से तो ये था रुक्मणी जी का आविर्भाव दिवस। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जैनेन्द्र प्रभु, श्री जैनेन्द्र प्रभु के बारे में जितना बताएं उतना ही हम लोग शुद्ध होंगे। जैनेन्द्र प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और क्या कारण उनका नाम तिरुभाव दिवस में लिखा गया है, और प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला था। प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन वैष्णव कैलेंडर में हमें जैनेन्द्र प्रभु का नाम लिखना चाहिए। ही वॉज एन आचार्य, प्रभुपाद ने कहा, उनका तिरुभाव दिवस हमें मनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, और कहा था कि जैनेन्द्र प्रभु का चित्र जो है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जहाँ भी होता है वो रथ में जैनेन्द्र प्रभु का फोटो लगाना चाहिए। बम्बई में अभी भी रथ यात्रा में जैनेन्द्र प्रभु का फोटो लगाते हैं जगन्नाथ जी के रथ, आज भी अब भी रथ यात्रा जब होती है बम्बई में जुहू टेम्पल में तो जैनेन्द्र प्रभु का फोटो लगाया जाता है जगन्नाथ जी का। अच्छा तो कारण क्या था, जैनेन्द्र प्रभु प्रभुपाद जी के बहुत ही समर्पित शिष्य थे, और जैनेन्द्र प्रभु ने ही सुने जपता का महाराज का हेडशिप किया था। ऐसे जपता का महाराज मंदिर आए थे ज्वाइन करने के लिए, पूछना चाह रहे थे कि कैसे हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं टेम्पल। तो सबसे पहले जैनेन्द्र प्रभु उस समय रथ बना रहे थे जगन्नाथ जी का, 1967 जो सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हुई, पहली रथ यात्रा जो हुई उसका रथ का निर्माण जैनेन्द्र प्रभु ने किया इस्कॉन में, और श्याम सुंदर प्रभु ने उस विग्रह का जो है विग्रह को बनाया था। और जो जयपता का महाराज आए तो जैनेन्द्र प्रभु ने उनको बोला कि आप मैं रथ बना रहा हूँ आप थोड़े मदद करो। तो इस तरह से रथ बनाने में हेल्प कर रहे थे, जैनेन्द्र प्रभु की सहायता कर रहे थे, और उसके बाद उनको लेके गए टेम्पल में। वो मैं बताता हूँ किस तरह से फुल टाइम मना जाता है, और जैनेन्द्र प्रभु ने हेडशिप किया जयपता का महाराज का, ऐसे जयपता का महाराज बता रहे थे। तो जैनेन्द्र प्रभु क्या करते थे, जैनेन्द्र प्रभु समय न्यूयॉर्क टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, और ओहायो यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीई किया था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ओहायो यूनिवर्सिटी। चाहते तो वो बहुत बड़े आदमी बन सकते, तो उन समय उस ज़माने के अगर कोई इंजीनियर है समझ लीजिए 1970s में और या अर्ली 70s में तो वो या लेट 60s में कह लीजिए, तो वो बहुत ही उसका एक वैल्यू होता था
और वो चाहते तो बहुत बड़े आदमी बन सकते, लेकिन बचपन से उनका स्वभाव ऐसा था कि वो कभी भी जो है अमीर लोगों के बीच में नहीं घूमते थे या एलीट क्लास के बीच में जो है वो घूमना पसंद नहीं करते थे। वो आप हैरान हो जाएंगे कि न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते थे। उन दिनों क्या था, इस्कॉन के टेम्पल जो हैं उसमें कोई लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं था या फंड रेजिंग का कोई स्कीम नहीं था जिसमें भाग लोग जाकर डोनेशन इकट्ठा कर सकें, या इस्कॉन का कोई रेपुटेशन नहीं था इतना कि लोग इस्कॉन के नाम पर डोनेशन दे दें। तो प्रैक्टिकली हर भक्त को उस समय नौकरी करनी पड़ती थी। जैसे हमारे गुरु महाराज भी बाहर जॉब करते थे कनाडा में कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर सत्सुरुदास महाराज, मुकुंद महाराज, ये सब जॉब करते थे पहले। 1966 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस समय वो लोग क्या करते थे, जो भी नौकरी करते थे डोनेशन उसमें जो भी उनकी सैलरी मिलती थी, जयनंदपुर क्या करते थे, पूरा का पूरा जो है मंदिर में देते थे। न्यूयॉर्क टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उस टेम्पल को चलाने के लिए पूरे दिन उनको टैक्सी चलानी पड़ती थी और टेम्पल का सारा काम वो करते थे जयनंदपुर। और यहाँ तक कि जयनंदपुर ने कहा कि ये संकीर्तन डिवोटीज हैं, इनके पास ड्राइवर नहीं है बस चलाने के लिए, प्रभुपाद मैं इनके साथ जा सकता हूँ बस लेके। तो जयनंद प्रभु जो है बस चला के गए थे संकीर्तन में जाने के लिए भक्तों के साथ। और जयनंद प्रभु प्रभुपाद जब भी आते थे न्यूयॉर्क में, एयरपोर्ट में सबसे पहले पूछते थे वेयर इज जयनंदा। तो किसी ने कहा कि सब लोग भक्त लोग नाच रहे थे कूद रहे थे प्रभुपाद का स्वागत करते हुए, तो जयनंद प्रभु के बारे में पूछा कि वेयर इज जयनंदा, वेयर इज जयनंदा, प्रभुपाद बहुत पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभुपाद आज आपका प्रोग्राम है ना इवनिंग में, आपकी गाड़ी खराब है, उसको गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। तो गाड़ी वो खुद ही ठीक कर लेते थे। तो प्रभुपाद ने कहा ही नोज माई हार्ट। प्रभुपाद क्या बोले जयनंद प्रभु के लिए, ही नोज माई हार्ट, मेरे मन की बात को जानते हो। और एक बार प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे तो जयनंद प्रभु को नींद आने लगी, क्योंकि वो क्या करते थे पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम एक भी मिस नहीं करते थे, और क्या साथ में पूरे दिन फिर वो चले जाते थे बाहर टैक्सी चलाने के लिए, एक सेकंड उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं था। तो कई बार क्लास में बैठते थे उनको झपकी लगती थी। प्रभुपाद जनरली जब कोई सोता था क्लास में तो बहुत डांटते थे और इशारा करते थे स्टैंड अप पीछे जाके खड़े हो जाओ, लेकिन जयनंद प्रभु जब सोए तो प्रभुपाद ने कहा ही इज इन एक्सटेसी। प्रभुपाद ने कहा ये एक्सटेसी में है। प्रभुपाद बड़े खुश होते थे देख के जयनंद प्रभु को, और जयनंद प्रभु की ह्यूमिलिटी जो है बड़ी मतलब क्या कहते हैं अमेजिंग था उनका, अनपैरेलल्ड ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस था उनके पास। एक बार रथ यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था तो वहाँ के जो सिटी के मेयर को उन्होंने ऐसा कल्टिवेट किया, उनको महाप्रसाद दिया, केक दिया, और इतने मधुरता से उनके साथ डील किया। यहाँ तक कि बताते हैं कि वहाँ के जो रफियंस हैं और हिपी क्लास के जो लोग हैं, इस तरह के लोग भी जो हैं बदमाश टाइप के लोग भी, वो सभी जयनंद प्रभु को बहुत पसंद करते थे। जयनंद प्रभु के स्वभाव से लोग इतना प्रभावित होते थे, और मेयर इतना प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि रथ यात्रा करने की परमिशन मिल गई फिर। और ये बताते हैं कि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे जयनंदा ही वॉज द फर्स्ट डिसाइपल, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गिव मी अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $5,000 टू प्रिंट भगवद गीता। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ये जयनंद प्रभु ही वो भक्त हैं जिन्होंने मुझे $5,000 दिए थे भगवद गीता छापने के लिए। अब मैं एकदम से लास्ट में चलता हूँ कि समय हो गया है। जयनंद प्रभु को ब्लड कैंसर हो गया था, लुकूमिया। गवर्नमेंट से मेडिकल एड मिल जाता है अगर आपका एक सैलरी एक लेवल तक नहीं है तो, अमेरिका में प्रोविजन्स हैं सो आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलता है। तो मेडिकल एड मिला था, $5,000 मिले थे उनको, ब्लड कैंसर इनको हो गया था लुकूमिया, और कोई इलाज नहीं था उसका, हॉस्पिटल में थे। $5,000 जैसे ही मिला उनको, उन्होंने कहा कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा पैसे, वो सारा का सारा पैसा प्रभुपाद को दे दिया उन्होंने। और प्रभुपाद ने कहा कि नहीं ये आप अपने इलाज के लिए रखो, मुझे नहीं चाहिए। प्रभुपाद की आंखों में से एकदम आंसू आ गए। और उसके बाद फिर जयनंद प्रभु को जब वापस लिया है मंदिर लिया है, क्योंकि अब इलाज तो होना नहीं था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि फिर अब मंदिर ही वापस लेके जाएं। तो मंदिर जब लेकर आए, किस तरह से शरीर छोड़ा उन्होंने देखी, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती का जब शंख बजा, वो अपने कमरे में षट गोस्वामी अष्टकम सुन रहे थे श्रील प्रभुपाद जी का। और जैसी शंख की आवाज़ हुई, यानी कि शंखनाद हुआ ब्रह्म मुहूर्त के समय जब मंगल आरती का शंख बजा, उसी समय जयनंद प्रभु ने शरीर छोड़ा। उधर शंख बजा और यहाँ प्रभुपाद जी का षट गोस्वामी अष्टकम सुनते हुए जयनंद प्रभु ने शरीर छोड़ा। प्रभुपाद जी को जब पता चला कि जयनंद प्रभु ने शरीर छोड़ा है, हालांकि प्रभुपाद जी के समय में और भी कई भक्तों ने शरीर छोड़ा था, लेकिन प्रभुपाद ने सबके लिए इस तरह से नहीं कहा, लेकिन जयनंद प्रभु को पोस्टमस जयनंद प्रभु के शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद ने लेटर लिखा उन्हें,
क्या लिखा लेटर में देखिए, ये लेटर है 5 मई 1977 का, जरूर पढ़ेगा, वेदाबेस में है और इसमें बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी का लेटर, बड़ा ही इमोशनल है, बड़ा ही टचिंग है और बड़ा ही पर्सनल है। प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, यू आर गॉन बैक टू कृष्णा। क्या लिख रहे देखिए, आई एम फीलिंग वेरी इंटेंसली योर सेपरेशन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे बहुत ही विरह हो रहा है आपसे। इन 1967 यू ज्वाइंड मी इन सैन फ्रांसिस्को, 1967 में आपने ज्वाइन किया था सैन फ्रांसिस्को में। आप टैक्सी चलाते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे $5,000 दिया भगवद गीता छापने के लिए। उसके बाद आपने बहुत अनुकूल सेवा की है श्री कृष्ण की कई तरीके से, और मुझे पूरी आशा है कि मृत्यु के समय आप कृष्ण को याद कर रहे थे और आप कृष्ण के बाद गए थे, कृष्ण के बाद जा चुके हैं उनका नित्य संग करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर थोड़ी बहुत आपके मन में भौतिक इच्छा रह भी गई है, टिंच ऑफ मेटेरियल डिजायर भी है, तो आप स्वर्लोक चले गए होंगे जहाँ पर हजारों हजारों वर्ष तक स्वर्लोक का सुख भोगेंगे और वहाँ से फिर आप आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आध्यात्मिक जगत वहाँ से नहीं जा पाए, तो ऐसे जो योगी होते हैं वो योगियों के परिवार में, भक्त के परिवार में जन्म लेते हैं, या ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेते हैं, या किसी धनी व्यक्ति के परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पुनः उनको मौका मिलता है कृष्ण भावना का अभ्यास करने के लिए। फिर प्रभुपाद आखिर में क्या लिख रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप कृष्ण कीर्तन सुन रहे थे अंतिम समय में, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर दैट यू वर डायरेक्टली प्रमोटेड टू कृष्ण लोक। प्रभुपाद लिख रहे हैं लास्ट लाइन, बट एज यू आर हेयरिंग कृष्ण कीर्तन, आई एम श्योर यू वर डायरेक्टली प्रमोटेड टू कृष्ण लोक। फिर प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वादिहं पुनर्जन्मन इति मामेति सर्जन। फिर प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं, कृष्ण हैज डन अ ग्रेट फेवर टू यू, कृष्ण ने आपके बहुत बड़ी कृपा की है, नॉट टू कंटिन्यू योर डिजीज बॉडी, आपका रोग शरीर जो है और लंबा ना चले, एंड हैज गिवन यू सूटेबल प्लेस फॉर योर सर्विस, आपको एक बहुत अच्छा स्थान दिया है सेवा के लिए, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद लिख रहे हैं, योर एवर विल बी श्योर एसी भक्तिवेदांत स्वामी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से जयानंद प्रभु आज भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य उनको याद करते हैं, जयानंद प्रभु को उनकी सेवा के लिए, उनकी शुद्धता के लिए, उनके समर्पण के लिए। तो जयानंद प्रभु से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। जयानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रुक्मिणी देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।